हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। आई विल टीच यू जीके। चैप्टर 5, ऑल एट सी। आप इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ोगे? सीज के बारे में पढ़ोगे, यानी महासागर के बारे में। नंबर 1, दिस इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ। पैसिफिक, PACIFIC, पैसिफिक। नंबर 2, दिस ओशन लाइज बिटवीन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका ऑन वन साइड एंड साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका ऑन द अदर। अटलांटिक, ATLANTIC, अटलांटिक। नंबर 3, दिस ओशन लाइज नियर द नॉर्थ पोल, आर्कटिक, ARCTIC, आर्कटिक। नंबर 4, दिस कंटिनेंट इज फेमस फॉर द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया, ASTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 5, दीज आर स्मॉल मैराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट ड्रिफ्ट थ्रू ओशियन वाटर एंड आर ईटन बाई फिश, प्लैंकटन, PLANKTON, प्लैंकटन। नंबर 6, दिस इज द डीपेस्ट नॉन पॉइंट बिलो द ओशियंस ऑन अर्थ, मैरियाना ट्रेंच। नंबर 7, द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज लोकेटेड इज दिस हेमिस्फेयर, साउथर्न। ये सब आपके क्या है? सीज यानी महासागर है। आपको क्या करना है? इनके आंसर्स हैं, दिस इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, पैसिफिक। आपको इन वर्ड्स में पैसिफिक ओशंस ढूंढना है और उस पर सर्किल कर देना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चंस का आंसर देखना है। अंटार्कटिका, आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, प्लैंकटन, आपको इसमें देखना है, इस पजल्स में वो कहाँ है, और आपको उन पर सर्किल कर देना है। दिस इज़ योर होमवर्क। डू योर होमवर्क इन योर बुक। स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 5, ऑल एट सी, इज़ कम्प्लीट। डू योर होमवर्क केयरफुली। गुड बाय।